स्ट्रेस जो है बेसिकली एक मेंटल स्टेट है जो बाद में फिजिकल की तरफ जाती है. तो डॉक्टर साहब ने तो बड़ा टेक्निकल बताया, मैं नाजरीन को सादा लफ्ज में बता देता हूँ कि ये एक स्टेट ऑफ अनरिसोर्सफुलनेस है. आप समझते हैं कि गिवन चैलेंज या गिवन टास्क जो है उसके मुताबिक मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और आप एक दबाव में आ जाते हैं. चैलेंज और गिवन रिसोर्सेज दोनों में जो फर्क है वो स्ट्रेस का मुझे बनता है. उसमें सोचें भी हैं, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, उसमें इंटरनल फैक्टर्स भी हैं. तो हमने पहले ये देखना है कि हमारी स्ट्रेस बेस कौन सी करती है. आपने शुरू में ट्रैफिक की मिसाल दी, कई चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है. ट्रैफिक जो है ये एक स्ट्रेसर है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर है, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है. लेकिन रूट कौन सा चूज करना है, टाइमिंग कौन सा चूज करनी है, ये आप चूज कर सकती हैं. आप इसे मैनेज कर सकती हैं, कॉप कर सकती हैं. कुछ इंटरनल स्ट्रेसर्स हैं जिस तरह आपने भी सोचों की बात की, आपने सेल्फ डायलॉग की बात की, आपने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ थिंकिंग जो हम अपने बारे में सोच उसके बारे में बात की, इंटरनल है. तो इंटरनल वर्ल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड को मुतासर करता है. आप बच्चों से मुस्कुरा के मिले तो क्या होगा, वो जवाब में मुस्कुराहट से आपको जवाब देंगे ना. आप जाके आज अपने छोटे से बच्चे पे चीखे से घूर के देखे, जवाब में क्या होगा, वो भी आपको रिस्पॉन्स ऐसे ही करेगा. एग्जैक्टली. तो अगर आप आउटर वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करना पड़ेगा. उसका आगाज वहीं से होगा जिसका आपने निशानदेही किया कि सोचों को बदलना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग. कुरान पाक में मुझे आयत नंबर याद नहीं आ रही, सूरत नंबर नहीं याद आ रही, मफहूम यह है कि अल्लाह के मुत्तकी बंदे के मोमन बंदे वो हैं, और तो और जब उन्हें बुरा ख्याल छू भी जाता है तो वो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं, फिर उन्हें साफ नजर आने लगता है कि सही रास्ता क्या है. इसका मतलब है बुरा ख्याल मुत्तकी लोगों को, मुत्तकी कामयाब है, कि कामयाब लोगों को, मुत्तकी लोगों को भी बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है. मगर फर्क क्या है, फर्क यह है कि वो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है ये शैतान की तरफ से है, वो फौरन रिकंसिडर करते हैं, उस चीज को रीथिंक करते हैं. तो हम सबको इस फेज से गुजरना पड़ता है, हम उसे रिफ्रेम कैसे करते हैं. और ये नेगेटिव वाइब्स क्या पॉजिटिव वाइब्स से मुझे लगता है स्ट्रांग होती हैं, कि आप किसी नेगेटिव शख्स के साथ बैठे तो वो आपको नेगेटिव करके ही वहां से उठाएगा, वो भेजेगा आपको, राजी कर लेगा उस बुरी चीज के ऊपर, आप मादा कर लेगा. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कमजोर हैं या कितनी ताकतवर हैं. अट्रैक्शन ज्यादा शायद होती है बुराई में, कहते हैं अक्सर ज्यादा वो खींच लेती है जरा. हम कमजोर होते हैं, यूं कह लें आप, हमें अपने आप को ज्यादा बेहतर, हम चाह रहे होते हैं कि ऐसी कोई ऑप्शन सामने आ जाए हमारे सामने, हम खींचे चले जाएं उसकी जानिब. हाँ जी, गुनाह की लज्जत तो है ना, ज्यादा है.